दयनीय है, जिसको देखकर यह लगता है कि यह सड़क नहीं गड्ढे गड्ढे सड़क का चुनाव। हर पार्टी वादा करती है कि क्षेत्र में चुनाव, हर पार्टी यही वादा करती है कि क्षेत्र की दिशा और दशा बनाने, लेकिन वह खोखला ही साबित हो रहा है। उन लोगों का अक्सर जमीन पर कभी दिखाई नहीं देता। आपको बताते चले, समस्या को लेकर जय हो फाउंडेशन के अध्यक्ष अफरोज मालिक ने उपाध्यक्ष त्रिभुवन जी के द्वारा ही महामाइम के राज्यपाल ज्ञापन देकर क्षेत्र में समस्या का अवगत करवाने के काम किया गया है। साथ में ही आपको बताते चले, क्षेत्र के सभी लोग भारी संख्या में यहाँ पर मौजूद रहे। समस्या का कोई हल हो, क्षेत्र की जनता यहाँ पर जाने की होने वाली समस्या दूर हो जाएगी। इस विषय में जिला अधिकारी से बात की गई। उन्होंने कहा कि समस्या को महामाइम राज्यपाल को भेज दिया गया है और हर समस्या का निस्तारण होगा। प्राइम मेकिंग न्यूज चैनल के लिए आप देख सकते हैं सिद्धार्थनगर से। जय हो फाउंडेशन के अफरोज मलिक द्वारा पहले धरना प्रदर्शन की बात की जा रही थी, उसको चूंकि 44 लाख है तो तत्काल उसको रोक दिया गया। पहले ही उनको कड़ी हिदायत दे दी गई कि आप कतई नहीं करें धरना प्रदर्शन, और उनके द्वारा भी शांतिपूर्ण तरीके से तहसील दिवस में ही ज्ञापन दिया गया है कि सड़कों के समस्या के संबंध में जो राज्यपाल महिमहिम को संबोधित है उसको भेज दिया जाएगा उच्च स्तर पर आवश्यक कार्रवाई। इलाके में जिस तरह से सड़कों का हाल इतना बदहाल है कि उस पर जानवर भी ना चल सके, तो इंसानों को चलने के लिए मजबूर किया जा रहा है, और लगातार जिस तरह से एक सड़कों का हाल नहीं, आप देख सकते हैं डुमरियागंज से चनरदीप घाट वाली सड़क और सैयापुर से सिंगार ज्योत की सड़क है, और बैदौला से बढ़नी तक है, फिर मोतीगंज तक है, जितना इलाका डुमरियागंज का वहां से रुधौली तक की सड़क बन चुकी है, यहां से चंद्रदीप तक बन चुकी है, मगर डुमरियागंज की सड़क कहीं तक नहीं बन रही है। और जो सड़कों का मामला है वो इतना बदहाल है कि सारी जनता त्रस्त है, किसी के पास सरकारों के पास फुर्सत नहीं। और जिस तरह योगी जी कह रहे हैं कि गड्ढा मुक्त सड़कें हमारा सपना है, तो सपना कहीं जमीन पर नजर नहीं आता पूरा होता हुआ। और आप खुद जो लोग इलाके के लोग हैं जिस तरह से परेशान हैं, और कोई सबसे बड़ी बात है विपक्ष को खामोशी ने सत्ता पक्ष को एकदम मजबूत बना रखा है। विपक्ष को इसमें ऐसे जो जनता के मामले हैं उनको उठाना चाहिए और संघर्ष करना चाहिए, और जिस तरह आज हम लोग ने एक बार वापस से संघर्ष की कोशिश की है, और अगर सरकार ने हमारा बात जल्द से जल्द हमारा जो हमारी समस्या का निवारण नहीं किया तो हम वापस से धरना देंगे और वापस से जनता के सरकारों को घेराव करेंगे, और इस बार अगर नहीं माना गया तो इस बार इंशाल्लाह उग्र घेराव होगा। आप लोगों ने किससे अपील की है इसका निस्तारण करने के लिए, किसको अपील? हमने तो महामहिम राज्यपाल जी से अपील की है, मगर ऐसे एडीएम साहब के द्वारा उन तक पत्र पहुंचाने की और अपनी बात रखने की कोशिश की है, और जो बात हमने अपने उसमें लिखी है उसमें सबसे मेन मामला है सड़कों का ही एक मुद्दा है, सबसे बड़ा जो मुद्दा है, जो लोग मजबूर है, गाड़ियों की हालत खराब है, लोगों की हालत खराब है, उसकी आज ठंडी के मौसम में आप सड़कों पर गुब्बार देखेंगे, ये जो हम लोग गर्मी में देखते थे आज ठंडी के मौसम में देख सकते हैं। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।